हिमाचल प्रदेश में आपदा के बाद पर्यटन को पटरी पर लाने के लिए सरकार नए नए कदम उठा रही है। पर्यटकों को आकर्षित करने के लिए शिमला के जुन्गा में 12 से 15 अक्टूबर तक शिमला फ्लाइंग फेस्टिवल करवाया जा रहा है, जिसमें देश विदेश से पैराग्लाइडर्स हिस्सा लेंगे। शिमला में आयोजित पत्रकार वार्ता में अतिरिक्त उपायुक्त अभिषेक वर्मा ने बताया कि शिमला के जुन्गा में पैराग्लाइडिंग का रोमांच पर्यटन क्षेत्र को उभारने में मदद करेगा। फ्लाइंग फेस्टिवल में 100 से ज़्यादा खिलाड़ी हिस्सा ले रहे हैं। उन्होंने कहा कि शिमला ज़िले में इस तरह के स्थान हैं जहां खेलों को बढ़ावा दिया जा सकता है। इसके लिए जिला प्रशासन व पर्यटन निगम कार्य कर रहा है। इसे खेलों को बढ़ावा देने के साथ साथ रोजगार के अवसर भी पैदा होंगे। शिमला डिस्ट्रिक्ट में आपको बताऊं कि 5000 स्क्वायर किलोमीटर से ज़्यादा इसका एरिया है, तो इसमें अपार संभावनाएं हैं। काफ़ी हमारी स्टेट्स तो हमारी डिस्ट्रिक्ट से छोटी भी हैं, तो मेरे हिसाब से जैसे मैं डिस्कस कर रहा था कि सुनी में भी दे हैव आइडेंटिफाइड अ साइट जो पैराग्लाइडिंग के लिए उन्होंने सर्टिफाई करवा ली है, जो सर्टिफिकेशन प्रोसेस आपका विमास से और टूरिज्म डिपार्टमेंट एयरोस्पोर्ट पॉलिसी के अंतर्गत करता है। इसके अलावा चांसल में भी कुछ चांसल एरिया की तरफ भी हमने कुछ एक्सपेरिमेंट्स और डेमोज किए हैं, तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आगे और ऐसी साइट्स को डेवलप किया जाएगा और ऐसी साइट्स को आइडेंटिफाई किया जाएगा, उससे लोकल यूथ को भी वहाँ पर एम्प्लॉयमेंट मिलेगा। 12 तारीख से 15 तारीख शिमला फ्लाइंग फेस्टिवल पैराग्लाइडिंग का इवेंट जुन्गा में हो रहा है, इसमें आपके माध्यम से हर एक टूरिस्ट को, हर एक पब्लिक को, चाहे वो स्टेट की है चाहे स्टेट से बाहर की, उस तक मैसेज पहुंचे और वो बढ़ चढ़ कर इसमें पार्टिसिपेट करें।